गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मैगराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द मोशनल ईएमएफ। अब हम गतिक विद्युत वाहक बल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो माना कोई चालक है, हमने ये मान लिया पी क्यू कोई चालक है जो इस तरीके से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस तरीके से विद्यमान है और ये कुछ वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है। तो माना कोई ये आयताकार चालक पी क्यू आर एस जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, जिसकी एक भुजा पी क्यू जो है वी वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, तो इसकी एक भुजा एक्स है और दूसरी इसकी एल। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर हमने माना है PQ या SP इसका मान x है और ये परिवर्तनशील है, और SR या सॉरी ये QR है, QR या SP इसका मान x है और PQ या SR इसकी वैल्यू जो है L है और ये नियत। तो ध्यान रखिएगा, माना कोई आयताकार चालक पी क्यू आर एस जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र P में स्थित है, इसकी एक भुजा चालक भुजा पी क्यू वी वेग से इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की ओर गतिमान है, वी वेग से गतिमान है, जहां भुजाएं इनकी ये पी क्यू सॉरी क्यू आर एंड एस पी ये है एक्स जो परिवर्तनशील है तथा पी क्यू और एस आर है एल जिसका मान नियत है। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हम जब ये डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इन टू ए, ए क्षेत्रफल है और ए का मान हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो फाई इक्वल टू बी एल एक्स। तो इसको अगर हम दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी फाई इक्वल टू बी एल डी अपॉन डी टी एक्स, ये आ जाएगा। तो डी फाई अपॉन डी टी, इसको डी फाई बी लिखिएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स है, डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल टू बी एल इन टू बी, क्योंकि ये डी एक्स बाई डी टी का मान जो हो जाएगा वेग के बराबर होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, और ये भी कह सकते हैं कि इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये इसका वेग ऋणात्मक होगा, तो ये माइनस बी एल वी हो जाएगा इस प्रकार से। तो जबकि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। फेरों की संख्या यहाँ पर एक ही है, ध्यान रखिएगा, इस वजह से यहाँ पर वन से मल्टीप्लाई है, तो ई इक्वल टू माइनस और माइनस बी एल वी, तो ई इक्वल टू बी एल वी, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल ये हो जाएगा E इक्वल टू पी एल वी। तो ध्यान रखिएगा, माना कोई आयताकार चालक पी क्यू आर एस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से प्रवेश करता है, इस चालक की भुजाएं पी क्यू तथा आर एस एल है तथा क्यू आर व एस पी एक्स है जो परिवर्तनशील है, इसलिए इस कुंडली में जब ये चालक इस प्रकार से वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अंदर प्रवेश कर रहा होगा, तो इसमें फ्लक्स का मान v into a और a एरिया होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हमने दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया अर्थात अवकलन कर दिया, तो d phi upon dt b l dx by dt, और ये वेग जो होगा इसका मान ऋणात्मक होगा क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, तो माइनस बी एल वी होगा। तो अब हम जानते हैं कि E इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी होता है और n से गुणा होता है जितने फेरे हों, तो फिलहाल यहाँ पर फेरों की संख्या एक है,
तो एक लिख दिया, तो ई का मान बी एल वी प्राप्त हो जाएगा, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बी एल वी होगा। ओके, अब हम इसी में से देखते हैं कि अगर ये चालक के अंदर, ये जो चालक था पी क्यू जिसकी लंबाई एल थी, ये क्यू आवेश जो है गतिशील हो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ, अर्थात पी छोर से क्यू छोर की तरफ, तो इसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? तो इसमें जो विद्युत वाहक बल होगा वो W अपॉन क्यू, जबकि P से Q तक जाने में कार्य W इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, Q इंटू E इंटू यहाँ पर L विस्थापन देख रहे हैं ना, और E का मान जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका मान होता है V अपॉन L, ठीक है ना। तो ये कार्य बराबर जो होगा बल इंटू विस्थापन, ये है W, तो यहाँ पर Q E इंटू L हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कार्य का मान जो हो जाएगा बल इंटू विस्थापन हो जाएगा, और ये चालक गतिशील है तो F का मान यहाँ पर क्यू वी बी और S का मान जो है वो L के बराबर होगा, तो W का मान जो हो जाएगा वो क्यू वी बी इंटू L हो जाएगा। तो समीकरण एक में रख दें, समीकरण एक से तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा क्यू वी बी एल अपॉन क्यू, तो E का मान आ जाएगा बी एल, ये चीज है क्लियर। तो माना चालक PQ में जिसकी लंबाई L है, कोई आवेश Q एक किनारे से दूसरे किनारे को गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल W by Q होगा, जबकि कार्य जो होगा P से Q तक जाने में बल इंटू विस्थापन, और बल कैसा होगा यहाँ पर चुंबकीय बल होगा। ध्यान रखना, गतिमान आवेश, जब कोई आवेशित कण गतिमान होता हो भी नियत वेग से तो QEB बल होता है, तो F अधिकतम बल, तो F की वैल्यू QEB और S जो विस्थापन है वो L के तुल्य है, तो F और S दोनों मान रख देंगे तो कार्य आ जाएगा QEBL, और ये कार्य का मान समीकरण एक में रख देंगे तो E का मान BL भी आया। तो ये जो गतिमान आवेश था उसके द्वारा जो विद्युत वाहक बल था, और जब ये कोई चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता था तो उसके कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था दोनों ही बराबर हुए। अब हम इसी में से इसकी ऊर्जा के लिए अध्ययन करते हैं, ऊर्जा दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन। देखिएगा, माना ये जो चालक था PQ, माना प्रतिरोध इसका स्मॉल r, ठीक है, या मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध r है कैपिटल, तो I इक्वल टू E अपॉन r होगा, और E का मान इसके लिए कितना आ चुका है BLV, तो ये आ जाएगा बी एल वी अपॉन आर, ये धारा का मान आ गया। अब जब धारा का मान आ गया तो इससे अब हम क्या निकाल लेंगे, धारा के मान से बल का मान निकाल लेंगे, और बल से हम शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः बल आ जाएगा आई बी एल, अधिकतम बल है तो चुंबकीय बल, तो धारावाही चालक पर अधिकतम चुंबकीय बल बी एल वी अपॉन आर, ये आई का मान है बी इंटू एल, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, जबकि शक्ति होती है पी इक्वल टू एफ इंटू वी, तो पी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इंटू वी, तो पी आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। किंतु हीटिंग इफेक्ट से अगर देखें तो यांत्रिक ऊर्जा जूल ऊष्मा के रूप में संचित होती है, किंतु
यांत्रिक ऊर्जा जूल ऊष्मा के रूप में शहित होती है, इसलिए इसके द्वारा जो शक्ति होती है वो आई स्क्वायर आर होती है। ठीक है, तो पी बार आई का मान कितना आया था, पी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर है तो आई का जो मान है उसका सब जगह स्क्वायर कर दिया, तो एक आर से आर कैंसिल, पी बार बराबर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये औसत शक्ति का मान आ जाएगा जो शक्ति क्षय के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है ना, ये समझ में आई बात। अब हम देखते हैं कि इसी से अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के रूप में निकालें तो हम जानते हैं कि E का मान जो होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये होता है जबकि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान जो होता है आई आर होता है, या आपने कैपिटल आर माना है तो आई आर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो ये भी रिलेशन आ जाएगा। या आई की वैल्यू जो होती है बी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, ये फ्लक्स है फाई बी, तो ये क्यू है, या आप इसको ऐसे लिख दें डी क्यू, तो ये हो जाएगा, देखिएगा डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस टी फाई बी अपॉन डी टी, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये आर भी है इसमें, तो आर इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस टी फाई बी अपॉन डी टी। इस तरीके से इसमें फ्लक्स परिवर्तन और आवेश परिवर्तन में भी संबंध प्राप्त हो जाएगा।